हेलो आदाब, हम शादाब बोल रहे हैं। आदाब, आप कैसी हैं? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? काफी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही, कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं हैं? नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं उठता। दफ्तर में थोड़ी मसरूफियत थी, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अब सना की तबीयत भी अच्छी हो गई, हम लोगों ने जो बच्चों से वादा किया था तो बच्चों को लेकर चलते हैं किसी दिन पिकनिक पर। जैसा आप मुनासिब समझिए, वो दिन तय कर लीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बेटा, जो दिमाग में उलझ जाते हैं ना, वो फैसला कभी नहीं कर पाते। वक्त गुजरते जाता है, किसी के लिए वक्त ठहरता नहीं है। फिर आदमी के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। नरगिस, हमने हमेशा तुम्हारी खुशियां चाही और मुझे लगता है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा ये बताओ कि शादाब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नूर जहां बाजी कह रही थी कि वक्त जाया मत कर, जिंदगी तनहा नहीं कटती। अहमद भाई कहते हैं शादी के लिए फैसला करो, समझ में नहीं आता क्या फैसला करें। शुरू में तो सब मर्द अच्छे रहते हैं, शादी के बाद शादाब अच्छे रहे तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चों का कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए। शादी के बाद ये सोच के हमारा दिल बैठा जा रहा है। चच्ची अम्मा और अम्मी का कहना है कि जिंदगी बहुत लंबी होती है जो काटे नहीं कटती। इतनी लंबी जिंदगी तुम अकेले कैसे कटोगी? नरगिस, क्या सोच रही हो? नसीमा बाजी, आदाब। खुश रहो। क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं नसीमा बाजी, बस ऐसे ही सोच रहे थे। मुझे तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो। अब क्या बताएं नसीमा बाजी? अब कहना क्या है, तुम्हें तो मुलाजमत भी मिल गई है और तुम्हारी मुलाजमत करने की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। आप सही कह रही हैं, इंसान की जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं मगर हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे। कैसा फैसला? घर वाले चाहते हैं कि हम शादी कर लें। इसमें मुश्किल क्या है? शादाब राजी हैं, घर वाले राजी हैं। बात हमारी अकेली की होती तो हम कोई भी फैसला ले लेते, मगर सवाल हमारे दो बच्चों का है। अगर हमने कोई गलत फैसला ले लिया तो कहीं हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। नसीमा को नरगिस के पास भेजा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लड़कियां अपने माँ बाप से नहीं कहती शर्म के मारे। और नसीमा तो माशाल्लाह नरगिस की सहेली भी है और बहन भी। हो सकता है कि जो बातें वो हमें नहीं कह सकती वो नसीमा को कह सकती। अम्मी, आपने बहुत अच्छा किया, नरगिस नसीमा से सारी बातें खुल के कर पाएगी और हमें पता चल पाएगा कि नरगिस शादी करना चाहती है या नहीं। यकीन मानो अहमद, उसकी हाँ और ना के चक्कर में तो हमारी रातों की नींद उड़ गई है। अम्मी, मैंने नरगिस को बहुत समझाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बात पे गौर करेगी, बल्कि न सिर्फ गौर करेगी मेरी बात मानेगी। अम्मी, उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि उसे अपने से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र। वो ये सोच रही है कि जिस इंसान से वो शादी करेगी वो उसके बच्चों को प्यार करेगा या नहीं। वो सोच रही है कि शादी के बाद अपने बच्चों को कितना वक्त दे पाएगी, यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। किसको एक अजीब सा डर है, वहम है उसे।
जो उसे शादाब से शादी करने से रोक रहा है। शादाब बहुत अच्छा लड़का है, नेक दिल है, खानदानी है। देखो नरगिस ने एक बार ना कर दिया तो शादाब ने पलट के कुछ पूछा तक नहीं, और नरगिस के इनकार करने पे उसने कोई गिला शिकवा भी नहीं किया। बस यही कहा कि नरगिस अपनी मर्जी की मालिक है। हमें लगता है कि शादाब ने अपनी बीवी के गुजरने के बाद जिस तरह से अपनी बच्ची को पाला है और जितना प्यार किया है वो किसी और बच्चे के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। ना तो कभी खुद किसी से ज्यादती करेगा और ना ज्यादती होने देगा। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मी। अम्मी यही बात हमने नरगिस को समझाई। मैंने उससे कहा कि बच्चों को एक अच्छा बाप मिल जाएगा और तुम्हें एक अच्छा शौहर, तुम्हारा घर बड़ा खुशहाल रहेगा। हमें तो भी करारी से उस दिन का इंतजार है। नरगिस मेरी बात गौर से सुनो। बड़ी अम्मी तुम्हारे बारे में जो भी सोचेंगी अच्छा ही सोचेंगी, बुरा नहीं सोचेंगी। बाजी हम आपसे ही पूछते हैं, न जाने फैसला करते वक्त हमारे दिल में घबराहट सी होती है। बात हमारी होती तो हम मम्मी के हुक्म को कभी इनकार नहीं करते, मगर यहां मसला तो बच्चों का है। हम अपनी खुशियों के लिए अपने बच्चों की खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहते। इन बच्चों का हमारे सिवा इस दुनिया में है ही कौन। इतना वक्त हो गया है नसीमा को नरगिस के पास गए हुए, अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या बातें कर रही है। अम्मी, अम्मी ये उसकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है, और नरगिस अकेली नहीं है, उसके दो बच्चे भी हैं, उन्हें उसके बारे में भी सोचना है। वो सोचती है कि उसका आने वाला कल कहीं उसके आज से बदतर ना हो। मुझे तो लगता है कि वो शादी करना नहीं चाहती, अगर चाहती तो अब तक फैसला ले चुकी होती। देखो नरगिस, शादाब तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो बस इतना चाहता है कि कोई उसकी बच्ची का ख्याल रखे, उसे प्यार दे, उसके घर को संभाले, और कुछ नहीं। वो तो हमें संभाल लेंगे, मगर हमारे बच्चों को कौन संभालेगा। तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, जब तुम उसकी बच्ची को संभालोगी तो वो क्या तुम्हारे बच्चों को नहीं संभालेगा। जब दो दिल एक हो जाते हैं तो वहां अपना पराया नहीं होता है, वहां सब एक होता है, हर सुख दुख सब साथ में निभाते हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर शादी के बाद हमारे बच्चों पर जुल्म सितम हुआ ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, क्या शादाब तुम्हारे बच्चों पर जुल्म करेगा। तुम उसकी दोस्त हो, इतने वक्त से तुम दोनों साथ में हो, पर अभी तक तुम शादाब को पहचान नहीं पाई। नसीमा बाजी, हम इस वक्त बहुत कश्मकश में हैं। नरगिस, तुम छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देती हो, राई का पहाड़ बना देती हो। अब हम लोग तुम्हारा कोई बुरा तो नहीं चाहेंगे। हम जानते हैं नसीमा बाजी, आप लोग हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये सब जानते हुए भी तुम फैसला करने में इतना वक्त लगा रही हो। क्या हम लोग फैजल और मासूमा के बारे में गलत सोचेंगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं लगता। अब ऐसी बात तो नहीं कि तुम्हारी शादी के बाद हम लोग पराये हो जाएंगे, हमारा ताल्लुकात खत्म हो जाएगा। हम सब तुम्हारे अपने हैं, और जब जी चाहे तब आ जाया करना। नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, तुम कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रही।
अच्छा एक बात बता, शादाब तुम्हें पसंद है? हाँ या ना में जवाब देना। उन्हें तो कोई भी लड़की पसंद करेगी। नरगिस, मैंने और लड़कियों के बारे में नहीं पूछा है, मैंने तुमसे पूछा है तुम्हें शादाब पसंद है या नहीं। तुम उनसे शादी करना चाहती हो या नहीं, साफ साफ बताओ। हमें आपकी अम्मी ने बताया कि आपने हमसे शादी करने से इनकार कर दिया। क्या हम आपके इनकार की वजह जान सकते हैं? आपको हमसे भी खूबसूरत हसीन लड़कियां मिल सकती हैं, फिर आपको हमारी क्या जरूरत है? लेकिन उन हजारों लड़कियों में नरगिस नहीं होगी ना? अगर आपको हमसे शादी नहीं करनी है तो ना सही, लेकिन हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर तो रह सकते हैं ना? अगर जिंदगी के किसी मुकाम में हम आपके काम आ सके तो अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। बड़े लोगों को आदत होती है छोटे लोगों को भूल जाने की। ऐसी बातें करके हमारा दिल मत दुखाइए। तो आपका दिल भी दुखता है क्या? खुशी दी कि हम बता नहीं सकते। अभी हम जाकर बड़ी अम्मी और सबको बताते हैं। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी मुबारक हो, नरगिस ने शादी के लिए हाँ कर दी है। सच? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, इसी दिन का तो हमें कब से इंतजार था। नसीमा तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? अहमद भाई मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो जाकर नरगिस से पूछ लीजिए। अरे मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, तुम झूठ थोड़ा ही बोलोगी। जी। अरे चची अम्मा, आबिद, शाकिरा, अरे कहाँ हो सब लोग, जल्दी आओ, हम उन्हें खुशखबरी सुनाएंगे। क्या हुआ अम्मी? अरे आबिद शाकिरा, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, नरगिस ने शादाब के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है। अरे फत्तो, ये पैसे ले लो और मिठाई ले आओ, सबका मुंह मीठा कराओ। हाँ। देखो नसीमा, तुम अभी घर मत जाना, यहीं बैठ के दुहा के दो चार गीत गाना। जी बड़ी अम्मी, जरूर गाऊंगी। वैसे नरगिस को अगर शादी के लिए हाँ करनी ही थी तो उसने हम सबको इतना परेशान क्यों किया? नरगिस को भी हमें परेशान करने की आदत हो गई है। हाँ हाँ ठीक है शाकरा, अभी इस वक्त ये पुरानी बातें याद करने का कोई फायदा नहीं है। शादाब को बुला लेते हैं। अभी क्यों? अरे शादी की तारीख रखने के लिए। हाँ बुलाना तो पड़ेगा ही, अब तो शादाब के वालिदैन से भी हमें मुलाकात करनी है। अम्मी अब नरगिस ने हाँ कर दी है, अब बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, शादी का सारा इंतजाम हो जाएगा। नरगिस? जी अम्मी। नरगिस बेटा, नसीमा जो कह रही है वो सच है? हमें क्या पता नसीमा बाजी ने आपसे क्या कहा। अरे बेटा वही शादी के बारे में। हाँ वो सही कह रही थी। नरगिस नरगिस तुम बहुत खुश है। नरगिस बेटा तुमने 5 जिंदगियों पे एहसान किया है। बेटा बेटा हम तुम्हारा एहसान मानते हैं कि तुमने हम सबका कहा मान लिया। इसमें एहसान की क्या बात है अम्मी? अब हमें तुम्हारी शादी की तैयारियां करनी होगी। अब
शादी छोटी हो या बड़ी, तैयारी तो करनी ही पड़ती है ना। हाँ वो तो करनी ही पड़ेगी। नरगिस, नरगिस हमें इस खबर से इतनी खुशी मिली है कि हम अपने बता नहीं सकते। अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। शादाब इतना अच्छा लड़का है, इतना नेक लड़का है वो। हमें तो दामाद की शक्ल में वो मिल रहा है, हमें और क्या चाहिए। लेकिन हम जानते हैं शादाब दिल ही दिल में तुम्हें पसंद भी करता है। हाँ अम्मी, हम जानते हैं। बेटा ये सब जानते हुए भी तो फिर फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लगा लिया? अम्मी, जब हमने पहली बार मना किया था तो उसकी वजह ये थी कि शादाब से मुलाकात होकर हमें कुछ ही वक्त हुआ था और उनसे शादी करके हम अपनी जिंदगी से समझौता नहीं करना चाहते। शादाब एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे शोहर भी बन सकते हैं। हमें तो कोई भी लड़की हाँ कर सकती है। शादाब के साथ शादी करके हम उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। बस यही वजह थी मना करने की। और फिर जो तुमने हाँ की है उसकी वजह क्या है? शादाब की आंखों में हमने प्यार और इज्जत देखी। अम्मी अब सही कह रही, शादाब जैसा लड़का हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। चलो ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। अच्छा बेटा एक काम करो, हमें जल्दी से तुम शादाब का टेलीफोन नंबर दे दो, हम उसे फोन करके उसे यहाँ बुलाएंगे बात करने के लिए। जी अम्मी, आप नीचे चलिए, हम लेकर आते हैं। हाँ ठीक है। आबिद, आज हम बहुत खुश हैं। हमारी सारी उम्मीदें पूरी हो गई। नरगिस जल्द से जल्द शादी करके इस घर से चली जाएगी और साथ में दोनों बच्चों को भी ले जाएगी। मगर नरगिस की शादी कैसे हो सकती है? अभी तक तो उसका तलाक भी नहीं हुआ। आबिद, ये बात हम और तुम जानते हैं कि उसका तलाक नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे घर वाले यही जानते हैं कि उसका तलाक हो गया है। शाकरा, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने वो नकली तलाकनामा भेजा। अरे हमारे घर वाले बहुत सीधे हैं, बहुत भोले लोग हैं। उन्होंने तो उस नकली तलाकनामे पे यकीन भी कर लिया। ओह, तुम्हारे घर वाले तो बड़े सीधे हैं, बिल्कुल जलेबी के जैसे। तुम्हारी अम्मी और बहना को कोई नहीं समझ सका, लेकिन हम समझ गए। शाकरा, नरगिस का ये मसला कोई मामूली मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। पता नहीं क्यों हमारा दिल तुम्हारे इस झूठ में साथ देने की गवाही नहीं दे रहा। आबिद, तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? अब्बास कब का मर गया होगा? अगर वो जिंदा होता तो खत भेजता। नहीं शक्र, वो मरा नहीं है। और अगर वो अचानक से आ गया तो क्या जवाब देंगे? पहली बात तो हम उसे यहाँ आने नहीं देंगे, और अगर वो आ भी गया ना तो हम उसे मरवा देंगे। शाकरा, ये आप कैसी बातें कर रही हो? तो क्या आप उसका कत्ल कर दोगी? जो मासूम से बच्चे फैजल का बाप है, नरगिस का शौहर है। शाकरा, आपकी यही सोच फिक्र आपको बर्बादी के रास्ते पे ला रही है। किसी के बारे में भी अच्छा नहीं सोचती, अब सबके बारे में सिर्फ बुरा ही सोचती हैं। मगर आबिद, ये मत भूलो कि हमने तुम्हारे लिए हमेशा भला ही सोचा है, अच्छा सोचा है। और ये जो भी कुछ कर रहे हैं ना, तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहे हैं। नहीं शाकर, हमें ऐसा फायदा बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ झूठ और फरेब हो। देखो शाकर, जो आप कर रहे हैं वो बहुत गलत है, और मैं इस काम में आपका साथ नहीं दे सकता। एक शादीशुदा औरत की दोबारा शादी करवाने में हम आपका साथ कतई नहीं देंगे। तुम हमारा साथ दो या ना दो, मगर प्लीज
कम से कम अपनी जबान तो बंद रख सकते हो ना। तुम देखना आबिद, तुम जब नरगिस का बसा बसाया घर देखोगे ना, तो हमसे यही कहोगे कि शाकरा, अगर आपने नरगिस की शादी नहीं करवाई होती ना, तो आज वो बेवा की जिंदगी जी रही होती, शादीशुदा बेवा की जिंदगी। जी 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 जी, समझ गई, आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आदा आदा नरगिस, यहाँ बैठो, कुछ बात करिए। जी, चपरासी पन्नालाल को 1 महीने की तनख्वाह पेश की दे देना। ये आप क्या कह रहे हैं, उन्हें तो आए हुए सिर्फ 14 दिन ही हुए और आप तनख्वाह पेश की देने की बात कर रही हैं, ये हमें मुनासिब नहीं लग रहा है। जब अल्लाह ने मुझे नवाजा है तो हर जरूरतमंदों के काम आना हमारा फर्ज बनता है। वो गरीब आदमी है, न जाने उसे पैसों की क्या जरूरत होगी। जब से हम यहाँ आए हैं तब से हमने आपसे कुछ न कुछ सीखा ही है। आपने उस दिन अपनी जिंदगी का वाकया हमें सुनाया, वो दिन आज भी हमें याद है। हम बहुत सोचते हैं उस बात को कि जो गलती आपने की है वो हमसे ना हो, और उन बातों के नतीजों से हमने अपनी जिंदगी का अहम फैसला लिया। खैर, तुमने जो भी फैसला लिया होगा वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमने शादाब के साथ शादी करने का फैसला ले लिया है। मुबारक हो, मुबारक हो नरगिस, ये तुमने फैसला बहुत अच्छा लिया है। शादाब बेचारा अपनी बच्ची को लेकर बहुत परेशान था, उसकी बच्ची को माँ मिल जाएगी और तुम्हारे बच्चों को बाप, इससे अच्छा रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। हमारे घर वालों को भी इसी में ही खुशी थी। नरगिस, तुम्हारी अम्मी ने शादाब से और उसे घर वालों से शादी की तारीख कब पक्की कर रही है? अम्मी ने शादाब का नंबर दे दिया है, वो उन्हें बुलाकर बात करेंगे। अब ये सब तो वही लोग तय करेंगे कि शादी कब करनी है। मैं तो तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों सलामत रहो, मेरी हमेशा ये दुआ रहेगी कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो।